सब्सक्राइब कीजिए टेक जुगाड़ो चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ट्रू कॉलर कितना खतरनाक है और वो आप लोगों का डाटा कितना लीक करता है, वो आप लोगों के डाटा को यहाँ पर कहीं पर भी बेच सकता है। और ट्रू कॉलर काफी ज्यादा बकवास एप्लीकेशन है। अगर मानी जाए तो कॉलर आईडी में यहाँ पर सबसे ज्यादा बकवास ट्रू कॉलर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ट्रू कॉलर को काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ट्रू कॉलर का एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जो कि गूगल ने यहाँ पर फोन बाई गूगल नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे कॉलर आईडी को यहाँ पर ट्रैक करने वाली होती है। जैसा कि ट्रू कॉलर काम करते हैं, जैसा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कॉल आती है तो आप लोगों के मोबाइल में ट्रू कॉलर बता देता है कि ये जो कॉल है वो कहाँ से आई है, और ये जो कॉल करने वाला है उसका नाम भी यहाँ पर शो करा देती है। लेकिन यहाँ पर गूगल ने भी इसी बेसिस पे और इसी के यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि है फोन बाई गूगल। सो गाइस, आज मैं आप लोग को इस एप्लीकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और ये जो एप्लीकेशन फोन बाई गूगल, जो एक की एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन होगी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की है वो गूगल ने की है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोग को इस एप्लीकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, जब ही आप लोग इस सबको समझ में आएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कॉलर आईडी वर्किंग इवन ऑफलाइन। ये जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर जो कोई भी आप लोगों के नंबर पर कॉल करता है तो उसकी जो कॉलर आईडी होती है, यानी कि उसका नाम, उसकी लोकेशन और उसका नंबर, वो सभी आप लोगों को यहाँ पर पहले ही बता देता है जब वो कॉल कनेक्ट करता है जब ही। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है वो गूगल की एप्लीकेशन है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर 100% ट्रस्टेबल ये जो एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं ट्रू कॉलर के, तो ट्रू कॉलर भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि ट्रू कॉलर ने आप लोगों के साथ कितना ज़्यादा विश्वासघात किया है। वो सभी आप लोगों का जो डेटा है उसे यहाँ पर बेच रहा है, और भी कई सारे स्पैम है जो ट्रू कॉलर द्वारा किए जा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ये जो फोन बाई गूगल जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को कैसे डाउनलोड करनी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन दिख रही होगी, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इसे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड के लिए ले जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर ओपन इन प्ले स्टोर ऐप में आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, तो आप लोगों के सामने एक और यहाँ पर आप लोगों का प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। फिर प्ले स्टोर ओपन होने के बाद अब आप लोगों से बोलेगा डिवाइस इज नॉट कॉम्पेटेबल विद दिस वर्जन। तो अगर आप लोगों का मोबाइल में जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 6 या 7 है, तो ये आप लोगों के मोबाइल में मुश्किल है चलेगी। अगर आप लोगों का एंड्रॉयड 10 है या 9 है आप लोगों का, तो ये जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों के मोबाइल में काफ़ी जल्दी और आज काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन पे आ जाओगे तो आप लोगों को नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक ज्वाइन का बटन आएगा, जो कि है ज्वाइन द बीटा। आप लोगों को बता दूँ ये जो बीटा वर्जन क्या होता है, कि जो जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करती हैं। तो जितने जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यहाँ पर बीटा वर्जन में होते हैं। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रही है अपनी एप्लीकेशन में, तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली इस ज्वाइन बीटा वाले पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, जो कि एक बीटा वर्जन वाली होगी। तो जैसे ही आप लोग इस बीटा वर्जन में आप लोग एंटर करते हो, तो आप लोगों के पास यहाँ पर 2 से 3 मिनट में आप लोगों के पास यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप लोगों का मोबाइल ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों का मोबाइल एंड्रॉयड 10 पर होगा या 9 पर होगा तो आप लोगों का मोबाइल जल्दी ही इसे सपोर्ट कर लेगा। फिर जैसे ही इस पर इंस्टॉल का बटन आता है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लोगों के मोबाइल में यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, तो आप लोगों को सिंपली इसे इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर सेट फोन एज अ डिफ़ॉल्ट आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर जितना भी आप लोगों का जो मोबाइल का फ़ोन का जो डायलर पेड है, उसे पर यहाँ पर आप लोगों को इसे डिफ़ॉल्ट पर सेट करना है। फिर आप लोग अपने आप लोगों को इसे यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करने के बाद सिंपली अब आप लोगों को इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। आप लोगों को यहाँ पर डायलर पैड भी मिल जाएगा, आप लोगों के जो कॉन्टैक्ट हैं वो भी निकल आएंगे। फिर आप लोगों को जाना है सेटिंग में। सेटिंग में सिंपली जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि डिस्प्ले ऑप्शन, साउंड वाइब्रेशन, क्विक रेस्पॉन्स, कॉल अकाउंट, ब्लॉक नंबर, वॉइस मेल, एसेसिबिलिटी और
आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर अपने जितने भी जो नंबर हैं, अननोन नंबर हैं, आप सभी लोग इनको ब्लॉक कर सकते हो। जितने भी आप लोग के कॉन्टैक्ट में मोबाइल में होंगे नंबर, उन्हीं पर केवल कॉल लगेगी। जितने भी अननोन नंबर होंगे वो सभी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे और कोई भी आप लोग के नंबर पर कॉल नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आप लोग को इसमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पर कॉल आईडी स्पैम पर जाते हो तो आप लोग को यहाँ पर सी कॉलर एंड स्पैम आईडी, ये है मेन चीज इस एप्लीकेशन की। तो सिंपली से आप लोग को इस एप्लीकेशन को इसी के लिए यूज़ करना है। आप लोग जैसे ही फिल्टर स्पैम कॉल पर करते हो तो आप लोग के मोबाइल पर जो कोई भी आप लोग के मोबाइल पर कॉल करेगा तो उसकी यहाँ पर आईडी दिख जाएगी ट्रू कॉलर की तरह। जैसे कि ट्रू कॉलर में आईडी दिख जाती है, उसी तरह आप लोग को इस मोबाइल में भी आईडी दिख जाएगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन इसी तरीके से आप लोगों के काम करने लगेगी। ये फोन बाय गूगल एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर गूगल द्वारा बनाई गई है ट्रू कॉलर के आगे। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करेगी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन बता दी है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कि आप लोगों को इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन है, आप लोग इस एप्लीकेशन की एक APK फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से आप लोग यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो आप लोग उस पर लिंक पर क्लिक करते हो तो आप लोग यहां पर देख सकते हो फोन गूगल से। आप लोगों को यहां पर अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, या जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप सिंपली प्ले स्टोर पर उस एप्लीकेशन के थ्रू, आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जो मेरी वीडियो है तो वो अच्छी लगी हो इस फोन बाय गूगल से रिलेटेड, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन आएगा उसे भी दबा देना, और इस ट्रू कॉलर को आप लोग जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए जो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।